दावत दी है, हमारी एक मॉडल हैं, एक्ट्रेस हैं, साइकोलॉजी पढ़ के आई हैं, लेकिन अब एक्टिंग कर रही हैं। आप सब की तालियों में मोहतरमा यशमा गिल। मेहमान बहुत प्यारे ने वहां। अच्छा, अबे को मेहमान एक साडे इंज बेड ते एक पतले जे इंज लगदा टैंकी ना ग्लास बने आ। यशमा आप भी तो कुछ बोलिए। मुझे समझ ही नहीं। जो टच मोबाइल में ग्लास नहीं लगता वो कहा मैंने। तो कॉम्प्लीमेंट था, थैंक यू। ये कॉम्प्लीमेंट था। हाँ, बिल्कुल उन्होंने कॉम्प्लीमेंट लिया। लगता पाए ने इधर जा रहे ने, यशम जी उधर जा रहे हैं। अरे ये हम यूं बैठ जाते। राय साहब वाले वेख के लग ही नहीं रहा कोई एमपीए बैठ रहे हैं, लगता कोई प्लाजा बन रहा यार। मगर वो बेसिकली हर बंदे की अपनी नीयत है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इनकी नीयत में फतूर है, ये कोई दुकान खरीदना चाहते हैं। दुकान खरीदना चाहते हैं। लग रहा है सर कि अचानक सवालों के जवाब देते हैं ना, पिछले दही का कूडा कट के पानी दही बेच ला। तो मैं दही इसलिए नहीं निकाल सकता कि कूडा मेरे सामने बैठा। आपने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है जी, तो ये साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते एक्टिंग कहाँ से आई? बचपन से ही शौक था मुझे एक एक्ट्रेस बनने का, लेकिन व्हेन आई वाज 9 आई थिंक तो ऑडिशंस हो रहे थे स्कूल में फॉर अ कमर्शियल, उसके लिए सिलेक्शन हो गई, वहाँ से थोड़ा शौक और जागा। देन व्हेन आई वाज 15 आई वाज ऑफर्ड अ वीजे, मैं वीजे थी, मैंने वीजे की फॉर अबाउट अ ईयर, फिर ड्रामाज ऑफर होना शुरू हो गए, बट देन अब्बू थोड़े से वो थे कि नहीं ड्रामा नहीं करना, चलो होस्टिंग करियो दैट इज़ फाइन, वो थोड़ा सा कंजर्वेटिव थे। तो आई वाज लाइक अच्छा ठीक है, इनको खुश करने के लिए पहले पढ़ लेती हूँ। सो आई टुक लाइक अ गैप ऑफ अराउंड 8 years, पहले ओ लेवल्स किया, ए लेवल्स किया, फिर ऑस्ट्रेलिया गई, वहाँ से बैचलर्स ऑफ साइकोलॉजी किया, फिर उधर भी फील होता था कि नहीं आई एम नॉट डूइंग व्हाट आई वांट टू डू, यू नो। तो फिर था दिल में कहीं ना कहीं कि जब मैं वापस जाऊंगी तो लड़के अबू से कर लूंगी सही। ऑस्ट्रेलिया से यानी कि आपने जाके तालीम हासिल की साइकोलॉजी की जी, इतना जब आपने खर्चा कर दिया ऑस्ट्रेलिया तक जाके, तो उसके बाद यहाँ पे आके उसका उजाला भी तो करती है जो इतना आपने खर्चा कराया। नहीं बिल्कुल, आई ओपन माय ओन एनजीओ इंशाल्लाह, एक दो हॉस्पिटल्स में इधर प्रैक्टिस की है, ऑस्ट्रेलिया में भी मैंने 100 hours ऑफ प्रैक्टिस कंप्लीट किया है, मैं एक ऑनलाइन भी मैं एफिलिएटेड हूँ ऑस्ट्रेलिया में एक हॉस्पिटल के साथ, तो उधर ऑनलाइन काउंसलिंग होती है, कभी कभी फोन पे हो जाती है, इट्स कॉल्ड लाइफलाइन। डज इट हैपन टू यू कि आपने क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ी हुई है तब आप किसी से पहली दफा मिलती हैं तो उनकी बातें करते करते समवेयर एट द बैक ऑफ योर हेड आपको होता है कि मैं शायद इसका साइको एनालिसिस भी करूं या क्या पर्सनालिटी? नहीं, हम लोगों को वैसे डिटैच करना सिखाते हैं कि कभी भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं पास ऑन करने दूसरे इंसान पे, या फिर उसको जजमेंटल नहीं होना, बिल्कुल एक ओपन माइंडसेट के साथ बातें सुननी है, करनी है, सब कॉन्शियसली नहीं है। लाइक अब आप नॉर्मली मिली हैं, अगर आप आपको ये लोग नजर आए तो आपने कोई एनालिसिस अपने ज़हन में किया कि क्या ए उन्होंने सोचा कि चिड़ियाघर होने चाहिए? आई थिंक एज अ साइकोलॉजिस्ट यू डू हैव दिस डेप्थ इनसाइड यू कि आप कहीं ना कहीं इंसान को खोज भी रहे होते हो, लेकिन अभी तक मेरी इनसे इतनी बात नहीं हुई है। तो आप करें ना सारी जिंदगी इकट्ठे ही रहना। जहाँ ये रहती है ना साथ मेरा घर है। अच्छा, ये भी होता है कि बगैर मिले भी आप लोगों को इफ़ यू सी देम ऑन स्क्रीन यू नो यू सी अ लॉट ऑफ देम, तो आपको होता है कि कुछ आपको ट्रेट्स पर चलना शुरू हो जाते हैं पर्सनालिटी? एज अ कैरेक्टर तो आप नहीं बता सकते ना किसी के पर्सनालिटी ट्रेट्स, वो तो पर कैरेक्टर के ट्रेट्स। मगर जिस तरह होता है पॉलिटिशियन से, राय साहब हैं पॉलिटिशियन से, बहुत ज़्यादा टीवी पे आते हैं और आप यू नो हर वक्त बोल रहे थे स्पीकिंग देयर माइंड, और वो तो कभी होता है कुछ एनालिसिस कर पाती है? राय साहब बताएंगे कि वो सच बोल रहे होते हैं। लेकिन राय साहब एनालिसिस मैं कीता सर, छोटे भरा दा कोट पा के आए ने, बटन खोलो तेरा साह कुटिया जा रहा है। यशमा क्या एनालिसिस किया आपने कुछ देर में? बी अ वेरी पॉजिटिव एंड हैप्पी पर्सन माशाल्लाह सर। अच्छा, कि काफी मुझे कहीं लगा था जब आपने वो फनकार और उसका पूछा ना, मैंने कहा अब ये बोलेंगे कहीं पॉलिटिशियंस भी फनकार ही तो नहीं। आपने इनका तजिया निकाल लिया कि ये आपने इनकी बातें सुनी और उससे आपको लगा कि ये He likes to pick positive energy out of positive energy. तो मुझे बताएं कि आप देखती होंगी राय साहब के लीडर भी टीवी पे बहुत होते हैं। हाँ जी, है ना, मियां साहब को देखती हैं आप, तो क्या आपका एनालिसिस है उनके बारे में?
उनकी तरफ ना देखे मुझे बताएं खोल के बताइए आप। वैसे आई एम नॉट इनटू पॉलिटिक्स दैट मच, तो मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती। नहीं, मुझे बिल्कुल एक चीज के बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो आप नहीं नहीं पर्सन देखें आपको उनके बारे में नॉलेज नहीं था। ही लुक्स लाइक ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। ओके एंड डज ही सीम हैप्पी? हां टीवी पे तो सही लगते हैं। टीवी पे सही है, हैप्पी लग रहे हैं ना मियां साहब। पिछे सैनेट दे इलेक्शन नहीं होए दाड़े उत्थे लोकां नूं तलाशियां लै लै के पागल हो गया मैं। अच्छा मेरे पूरे पिंड पीड़ा निकल आई। अच्छा ओ महाराज एक मालसी लिया। हाँ। मैं के मेरे पिंड दीआं पीड़ां कटेगा ओ मेरा ही 500 कट के लै गया। ओ माशाल्लाह राहत फतेह अली खान साहब। नहीं यार पागल बड़ी वड्डी फैमिली। मैं तो पूरे खानदान में जानना। क्या बात है। लाओ दसो अपना राय शहादत साहब दादा जी थोड़े बड़ी खिदमतगार फैमिली। हाँ माशाल्लाह सारा ही MNA MPA ने बंदा कोई भी नहीं। एक बात लाजमी करना चाहूँगा, दो बड़े हमारे इलाके से बड़े दो नाम हैं जिन्होंने तारीख में जिंदा हैं, एक राय अहमद खान शहीद और दूसरा मिर्जा जाट, तो वो मेरे फोर फादर्स में थे। आई कोर्ट वाला बटन खोल लो, डेढ़ दिन फांसी दी हुई ने। हर बार मैं आ रहा सर चीकां दी आवाज आ रही। अच्छा ओ मैं हूं पता लगा ओ सोफे दी चीकां सर। यार सर एक बात मैं कहना चाहूंगा, सोफा चीख नहीं रहा था, वो जो सोफे का कील था ना वो चीख के बाहर निकल आया। अपना टीवी थे, वैसे की काम कर देने वो साइकोलॉजी में बैचलर्स करके बैठे। माशाल्लाह तुसी भी बैचलर हो मैं भी। बड़ी अच्छी तरह राणा सनाउल्ला के दोस्त भी हैं। राणा सनाउल्ला साहब मेरे को सिपाही ने। राणा सनाउल्ला साहब तो मैं जानना 24 घंटे ड्यूटी करता सौंदा कि एको वारी सोएगा इंशाल्लाह। मैडम जी इजाजत है क्योंकि कराची दे अदाकारा दी मैंने जी कलेक्शन बना रहा। मैं आऊं आप आएंगे किथे तुसी बैठो उधर पक्खा चलाने आपे तुसी उधर चल जाना। उतरे तो मैं लत्तां को घसीट के ले जाना थाने। वो कर्सी में आपसे पूछ रही है कि क्या मैं उठकर आऊं तस्वीर लेने के लिए आपके साथ? नहीं 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 ये सराहना करना मैं हूं ना। हाँ क्योंकि पहले भी बड़े बेचारे परेशान बैठे तुसी हिलना जुलना ना फिर वो अगो चुके जाते हैं। बना तुसी बैठो तुसी बैठो तुसी बैठो मैं तुहानू राह चला दे। देखो ना सारा फ्रेम भर गया तुहाडी वजह तों। उमर एक
सेगमेंट है 2020 का, उसके अंदर मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और मैं आपको ऑप्शंस दूंगा साथ. यू हैव टू पिक वन एज योर आंसर. तो यशमा जी ये बताइए, आपने कॉफी बनाई है अपने हाथों से, इनमें से किसको आप कॉफी के ऊपर इन्वाइट करना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं फहद मुस्तफा, हुमायूं सईद, हमजा अली अब्बासी. हुमायूं सईद. हुमायूं से खास वजह? I'm his fan. You are his fan. ये बताइए कि आपने इन चार लोगों से सेल्फीज ली हैं, इनमें से किसके साथ ली हुई सेल्फी में से आप उन्हीं को क्रॉप कर देंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं माहिरा खान, महविश हयात और सारा खान. जनरल नॉलेज में जाना चाहेंगी? चलें फिर. पाकिस्तान के मौजूदा प्राइम मिनिस्टर का ताल्लुक किस इलाके से है? मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है. आपको आइडिया नहीं है? चले ये बता दें, ये आपके लिए आसान होगा. पाकिस्तान का पहला कैपिटल कौन सा था? I just know Islamabad. इस्लामाबाद से पहले? उससे पहले भी कुछ मैं थी नहीं तब, मुझे क्या. तो पाकिस्तान बना कब था? 50+ years हो गए हैं कुछ. नहीं मतलब हा? किस साल में मुझे नहीं पता. वो उस वक्त नहीं थी, सही कह रहे. अगले सवाल पे चलते हैं. आपने इन खवातीन को रेट करना है, हु डू यू थिंक इज द प्रीटीएस्ट विद वन बीइंग द बेस्ट. जो नाम आपके पास हैं वो है महविश हयात, उर्वा हुसैन, कुबरा खान, हरीम फारूक और सबा कमर. तो नंबर वन पे कौन होंगी सबसे हसीन आपको लगती है? उर्वा इज ब्यूटीफुल. नंबर टू पे? कुबरा. नंबर थ्री पे? आई'ड से सबा कमर. ठीक है. नंबर फोर पे? महविश. और नंबर फाइव पे कौन है? हरीम. नंबर पांच पे आपको हसीन लगती हैं हरीम फारूक? इनके कंपैरिजन, इन सबके कंपैरिजन में, बिल्कुल इन सबके कंपैरिजन में आप पांचवें नंबर पे हैं. एक लंबी फ्लाइट पे आप ऑस्ट्रेलिया जा रही हैं और आपने दो टिकटें ली थी जहाज में, एक पे तो आप खुद बैठ गई, दूसरी पे आप खाली सीट रख के बैठी हुई हैं और आप देखती हैं जहाज फुल हो गया है, मगर अभी कुछ पैसेंजर्स मौजूद हैं और देख रहे हैं कि अगर यशमा हमें इजाज़त दे तो हम भी चले जाएंगे साथ बैठ के, क्योंकि सीट उनके पास है. तो इनमें से किसको आप अपने साथ उस सीट पर बिठाना चाहेंगी? जो ऑप्शंस आपके पास हैं वो हैं नरेंद्र मोदी और इमरान हाशमी. बहुत सारी ताली यशमा के लिए.